रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो लोगों ने मेरे जीवन में वो अंधेरा कर दिया जिसका कोई अंत नहीं। कौन से दो लोग? एक मेरी माँ, मेरी प्रेमिका। मेरे सपने पूरे नहीं हुए ममता, तो मैं तुम्हारे सपने भी पूरे होने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं सिर्फ रोहन की डीएनए रिपोर्ट उसके सामने खोल के रख दूंगा और उसे बताऊंगा कि महेंद्र वर्मा उसका बाप नहीं है, वो किसी और की औलाद है। तुम ममता से शादी करना चाहते हो? जी। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। प्लीज। ये क्या है? ये रोहन की डीएनए रिपोर्ट है। तुमने इस घर में वापस आकर तो मुरझाए हुए पेड़ों को फिर से एक बार हरियाली दी है। मेरे दिल के अंदर बदले की आग जरूर भड़की है, लेकिन उस आग का मुझ पर काबू नहीं है। मेरा काबू है उस आग पर। तुमसे कुछ कहना है मोना, ये कहकर तुम टहलते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? मोना, मोना, कोई भी भयानक तूफान आने से पहले एकदम शांति होती है ना? हाँ। बस वही हाल मेरा भी है मोना। मैं जो बात तुमसे कहना चाहता हूँ मोना, मेरे अंदर वो तूफान उठाया हुआ है। जब मैं तुमसे कह दूंगा ना मोना, वो तूफान थम जाएगा, मगर उसका तुम पर क्या असर होगा ये मैं नहीं जानता। सूरज, जब तुम मुझसे कुछ कहोगे तभी तो पता चलेगा ना। वो बात तुम बर्दाश्त कर पाओगी कि नहीं इसका अंदाजा नहीं है मुझे मोना। गॉड, सूरज बिजली ही गिरेगी ना, मैं सहन कर लूंगी। बिजली नहीं गिरेगी मोना, ज्वालामुखी फटेगा। फटने दो ना। मगर सारा का सारा तुम पर आ गिरेगा मोना, लावा सारा का सारा तुम पर गिरेगा। मेरे भाई के अंदर का ही ज्वालामुखी है ना, इस लावे की जलन से मैं साफ बच जाऊंगी। सूरज तुम कहो जो तुम्हें कहना है, तुम प्लीज मेरी फिक्र मत करो। मोना कहो। मोना, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मोना, वो हाँ, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, क्या जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मोना, वो उस इंसान की बेटी है जो किस इंसान की बेटी है वो सूरज? मोना, वो उस इंसान की बेटी है। सूरज, किस इंसान की बेटी है? क्या उसके डैड कोई क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, देशद्रोही, कौन है वो? नहीं मोना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कहो ना, क्या बात है? वो उस इंसान की बेटी है जिसे हमारे डैड ने मारा। हमारे डैड ने मारा उसे। देसाई की बेटी है? कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारी गैर हाजिरी में बम्बई में हंगामे हो रहे हैं। हंगामे बॉम्बे में?
तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने अपने दोस्त को फोन किया था हालचाल जानने के लिए, उसका पता चला श्रीवास्तव और भाव साहब जोशी दोनों अंदर हो गए। अंदर हो गया मतलब? अंदर हो गया मतलब पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन दोनों के पकड़े जाने से बहुत से लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन वो बीना और मोना का क्या होगा? उन दोनों को क्या हुआ? अरे ये दोनों उनके बाप है ना। और क्या खबर है? एक और बहुत अच्छी खबर है वैशाली के बारे में। वैशाली के बारे में? वो तो पेरिस में होगी। अरे नहीं वो पेरिस में नहीं है, वो बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में है? मगर वो तो सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाने वाली थी। हाँ जाने वाली थी मगर नहीं गई। मगर क्यों नहीं गई? अब ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर वापस लौट गई है। माँ बाप के घर वापस लौट गई है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि मैडम अंबिका के खिलाफ जो तुम्हारे दिल में नफरत है उसकी एक वजह वैशाली भी थी? हाँ थी। ओके, वैशाली अपने माँ बाप से बगावत कर रही थी और मैडम अंबिका उसका साथ दे रही थी। तुम्हारी शिकायत में से एक वजह ये भी है? बहुत सारी शिकायतों में से एक शिकायत ये भी थी। मगर इतने दिनों बाद तुम ये इशू फिर से क्यों उठा रहे हो? मैं ये इशू इसलिए उठा रहा हूँ कि भैया वैशाली अपने घर वापस लौट गई, हम भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर वापस चलते हैं। नहीं देखिए, मैं तुमसे बहुत बार कह चुकी हूँ कि जब तक मैडम अंबिका एक्सपोज नहीं हो जाएंगी मैं अलीपुर से कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम भी सुन लो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी ताकत बनकर रहो, कमजोरी नहीं। हमें लगा था कि आखिरी वक्त में आकर शायद उस लड़की को आंख ला जाएगी, लेकिन अब लगता है कि उसने हमारी बर्बादी को अपने इरादों का मरकज बना लिया है। तुमने किसी वकील से बातचीत की? जी हाँ। वेरी गुड, तो फिर उन्हें फौरन अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ बुलाओ, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम जाकर उनसे मिलेंगे। जी बेहतर। क्या बात है शिवानी, कुछ परेशान नजर आ रही है? मैं कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा खून चूसने पर उतारू है। पद्मिनी की बात कर रही है। मैं जानता हूं शिवानी के कल का कांटा जब आज चुभता है तो दर्द बहुत होता है, किंतु उस दर्द को सहन करने की शक्ति भी आदमी बीते हुए कल से ही लेता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। शिवानी, पद्मिनी तुम्हारे बीते हुए कल का वो फूल है जो आज कांटा बनकर तुम्हें चुभ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए कबीर? शिवानी, जब इंसान की समझ में ये ना आए कि वो क्या करे और ना करे तो उसे सच्चाई का दामन पकड़ लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब यही कि पद्मिनी से मिलकर तुम्हें उसे सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए। मुझे इसी बात का डर है कबीर। किस बात का डर है? तुम नहीं जानते कबीर, उसने मामा जी से कहा था कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है। इसी नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए ये जरूरी है कि उसे सारी बातें तुम सच सच बता दो। मोनिका का केस वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए लड़ रही है। ये केस अंबिका और पद्मिनी के बीच की है, शिवानी और पद्मिनी के बीच की नहीं। मामा जी ने जब मुझसे कहा था कि मैं उनका रुतबा और पैसा ले लूं, मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके रुतबे और यश और पैसे के लिए मैं अपने बदले की भावना को नहीं छोड़ सकती। और इसी तरह पद्मिनी ने मामा जी से कहा है कि उसकी माँ चाहे उसे मिले ना मिले लेकिन वो मोनिका को उसका हक दिलाकर रहेगी। शिवानी, ये बात वो तब कह रही है जब उसे पता नहीं है कि उसकी माँ कौन है, कहाँ है। इसी बात का तो डर है कभी, अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो। शिवानी, सुलभा, बंसी, तीनों को लुढ़काने का है क्या? हाँ तीनों को। इनका कोई अता पता ठिकाना? बंसी पुलिस की हिरासत में है, सुलभा के घर के बाहर पे पुलिस का पहरा है। और शिवानी का पता नहीं है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। पहले किसको लुढ़काने का? बंसी को। बंसी, वही जो पुलिस की हिरासत में है? हाँ।
इससे पहले कि वो अदालत में जाकर गवाही दे इसका काम तमाम करना है। ओ बंसी बेटा पलटी खाया हुआ चमचा है। बिल्कुल, बहुत भरोसे का आदमी था और तुम तो जानते हो कि अगर भरोसे वाले की गर्दन नहीं तोड़ी गई तो अंडरवर्ल्ड में हमारी बदनामी हो जाएगी। बदनामी का डर ना भी हो लेकिन अगर बंसी ने पुलिस को गवाही दे दी तो भाव साहब जोशी की गर्दन टूट जाएगी। ये तीनों की सवारियां कितनी महंगी होगी? दो पुलिस की निगरानी में है, तीसरे को ढूंढना पड़ेगा है? बहुत जोखिम का काम है। एक सुपारी 5 लाख की पड़ेगी। तुम पेशे कितने लोग हैं? पूरा। पूरा मतलब 15 लाख एक साथ? नहीं तो पहले 5 लाख, पहले शिकार के नाम के साथ मरहूम या स्वर्गवास लफ्ज जुड़ने के बाद 5 लाख और पहली चिड़िया गिरी 5 और दूसरी चिड़िया मिली और गिरी 5 और। इसका मतलब यह हुआ कि हर शिकार की पूरी रकम तुम्हें पेशगी में चाहिए। हाँ बिल्कुल। और तुम दोनों एक बात याद रखो, मेरा नाम खंजर है। क्या खंजर? हाँ। बिना पैसे मिले मेरे ये हाथ पांव और ये जो खोपड़ी और खोपड़ी काम नहीं करती। समझे? समझ गए। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें पेशगी मिल जाएगी। चल बंसर। चल बेटा खंजर, तैयार हो जा, मौत का मौसम आने वाला है। साहब, क्या मुझे इस मामले से किसी भी तरह से बरी नहीं किया जा सकता? बंसी, ये मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। सब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लगता है जैसे मेरे दिमाग में एक सांप कुंडली वाक्य बैठा है और हर पल मुझे टस रहा है। इसीलिए तुम्हारे लिए अब मुनासिब ये होगा जैसा हम कहते हैं वैसा करो। सर, मेरी जान जोखिम में फंसी हुई है, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि कल सवेरे तुम्हें इस जेल से छोड़ दिया। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, ऐसा कसम मत कीजिए साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। हम तुम्हें रिहा कर रहे हैं और तुम हो के नहीं साहब, नहीं 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 साहब, कम से कम इन सलाखों के पीछे मैं जिंदा तो हूँ। इन सलाखों के बाहर भी तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। नहीं साहब, आप भाव साहब जोशी को नहीं जानते। मेरे यहां से बाहर निकलते हुए मेरा काम तमाम करवा देगा, मेरी लाश का पता भी नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बंसी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, भरोसा रखो मुझ पर। भरोसे को तोड़ना तो भाव साहब जोशी की पहचान है। उनकी पहचान तो अब हम करेंगे और रहा तुम्हारी जान की हिफाजत करने का, तो पुलिस तुम्हारी जान की हिफाजत करेगी। साहब, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल के मौत के मुंह में धकेल रहे हो साहब। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा बयान पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तुम एक गवाह हो और एक गवाह की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। डोंट वरी। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मैं जेल की रोटियां खा के यहाँ पड़ा रहूंगा साहब, लेकिन यहाँ से मुझे बाहर मत निकालिए साहब, मत निकालिए। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, भरोसा रखो मुझ पर। डोंट वरी। क्या बात मम्मी, डैडी क्या हुआ? मुकुल, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से पैदा किया। तुम अफसोस की बात कर रही हो?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां कोई मुझे पहचाने ना। इतने से पानी में डूब मरना चाहिए मुझे। आखिर ऐसा क्या किया है मैंने जो आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या किया है? ऊपर से पूछ रहे हो कि क्या किया है? बेशर्मी की इंतहा होती है बेटे। शर्म वर्म नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? डैडी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह मुझे क्यों कोस रहे। मैंने किया क्या है? जी तुम्हारे कुछ करने का नहीं, तुम्हारे कुछ भी नहीं करने का नतीजा है, समझे? ठीक है तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि मैंने क्या नहीं किया है। हट्टे कट्टे हो तुम, जवान हो, मर्द हो। तो एक जवान बहन के भाई हो। और वो जवान बहन कितने दिनों से लापता है? राखी का बंधन क्या होता है जानते हो तुम? बेटे बहन भाई की कलाई में राखी इसलिए बांधती है कि वो उसकी रक्षा करे, उसकी हिफाजत करे, उसकी देखभाल करे। हिफाजत करना तो दूर की बात, तुम तो ये नहीं जानते कि वो कहाँ है। और ना ही तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की है। मेरी भूल सी बच्ची, एक हट्टा कट्टा भाई होने के बावजूद भी पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। रो मत सुन, रो मत। अपनी बेटी के लिए तुम्हारे सीने में जितना दर्द है ना, उस बहन के लिए इस भाई के सीने में कहां से होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे नहीं पता वैशाली कहाँ है। हाँ, और ना ही तुमने पता लगाने की कोशिश की है। उसे ढूंढा तक नहीं तुमने। मम्मी कुछ अता पता हो तो ढूंढो ना वैशाली को, इतने बड़े शहर में कहाँ तलाश करूंगा मैं उसे। मुकुल, लोग अपनों को तलाश करने की खातिर दुनिया छान मारते हैं और तुम एक शहर में उसे नहीं ढूंढ सकते हो। मुकुल तुम अगर मेरे बेटे हो ना तो अभी अभी जाओ और वैशाली को ढूंढ लाओ, और वापस मत आना जब तक वैशाली तुम्हारे साथ ना हो। जाओ। सुनो, पुलिस के पास तुम हरगिज नहीं जाओगे। अखबार में इश्तिहार भी नहीं दोगे। मुकुल भैया। मम्मी, मम्मी तो वैशाली की आवाज है। मुकुल भैया, मम्मी वैशाली आ गई। बेटे इस लम्हे की खुशी दुगनी हो जाए, चौगनी हो जाए, इसलिए हमने ये ड्रामा किया। अच्छा लगा? डैडी मुझे मेरी बहन मिल गई। आपका ड्रामा बहुत अच्छा था। बाय द वे, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे यानी कि इनके बिट्टू। हाय हाय। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बैठिए। थैंक यू। मैं जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही कि तुम बिजी नहीं हो, पर बिजी होने की एक्टिंग जरूर कर रहे हो। देखो ममता, अगर ये मजाक है तो बहुत ही ठंडा है, और अगर तुम सीरियस हो तो ये झूठ है, क्योंकि मैं वाकई बिजी हूँ। रोहन, रोहन क्या है? ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैंने कहा तुम मेरे दुश्मन हो? नहीं हूँ, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। तुम भले कुछ भी कह लो, तुम मेरी दोस्त भी नहीं हो। कोई बात नहीं, ना दोस्त सही ना दुश्मन, परिचित तो हूँ। इतना तो पूछ ही सकते हो कि मैं क्यों आई हूँ। बिना पूछे अगर बता दोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? तुम सुनोगे तब तो बताऊंगी। बताओ। मुझे एक ऐड देनी है, मेरा मतलब है छपवानी है। देखिए ये ऐड छपवाने का डिपार्टमेंट बाहर है। मैं जानती हूँ। तो फिर ये ऐसी ऐड है जो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे अखबार में छप सकती है या नहीं। इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं। अच्छा, और आपको ये ऐड मेरे ही पेपर में छपवानी है? जी। ना, देखो। अगर छापने लायक ना हो तो फाड़ना नहीं, मुझे लौटा देना। श्योर। मैं डॉक्टर ममता साहनी तहे दिल से रोहन वर्मा से क्षमा याचना करती हूँ। अच्छा आइडिया, तो जवाब देना पड़ेगा। मैं रोहन वर्मा तहे दिल से डॉक्टर ममता साहनी को क्षमा करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि वो मेरे साथ कॉफी पीने चले। तो अगली पेशी में उसके हाथ में 500 रुपए का नोट रख देना और काफी लंबी डेट ले लेना। ठीक है सर।
मोहतरमा, अगर वो खत टाइप कर लिया हो तो ले आइए प्लीज। अभी लाइए। आइए राजकुमार जी, तशरीफ रखिए। मिस्टर यूसुफ खान, हम जानना चाहते हैं कि अलीपुर वाले केस में हमारे पास कितना वक्त है, और ये भी कि केस की कार्रवाई को हम कब तक मुलतवी कर सकते हैं। जी अभी बताता हूँ। मोहतरमा, वो अलीपुर वाले केस की फाइल ले आइए। कमाल है, मुस्लिम औरतों ने घर से निकलकर दफ्तरों में काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बुर्का पहनना नहीं छोड़ा। बड़ी तहजीब है, दाद देनी पड़ेगी इस बार। भाई ये तो हमारे मुस्लिम कल्चर का एक अहम हिस्सा है। आप डेट के बारे में पूछ रही थी ना? नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। तारीख के मामले में अदालत, मेरा मतलब जजेस, काफी फराख दिल होते हैं, तो आई डोंट थिंक हमें डेट की कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप तैयारी करके रखिए पूरी, लेकिन केस की कार्रवाई को जरा टालते रहिए। जी बेहतर है।